हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तेरा निकाह हस्बे जुबान सरमत के साथ। सुन तो सही मां, जाके सुन तो सही कि बातचीत क्या हो रही है। दरवाजे पे कान लगा के सुनो। तू डर ना, ना डर मेरा बच्चा। अम्मा मैं डर गई। तो मेरा बच्चा हद हो गई तेरे वाली। क्या करे तू, अच्छी कर दे कुर्सी। ओ शर्मा तो वाले में क्या हाल है। एक मिनट आ जाओ, लगा दे लगा दे। शाबे लड़ियां भी लगा है, लड़ियां लगा जल्दी से। अरे ऊपर करके बांध, नीचे कुर्सी रख लेना। चल शाबाश जी। मियाँ जी कब इधर बैठ। बात कोई इतनी परेशानी वाली नहीं है, लेकिन है बात परेशानी की। नूरानी शेख और उसका बेटा इस वक्त फरमान शेख के कार में है। क्यों आए हैं पता नहीं, इरादा क्या है नहीं मालूम, लेकिन अगले इतवार तक ये बात सोचने वाली है। और इतवार आने में अभी 7 दिन बाकी है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए मियाँ जी? बेखबर नहीं रहना चाहिए तुझे। अपने घर वालों से कहो किसी बहाने रोज आते जाते रहे। एक तरीका है मियाँ जी, अभी पता चल जाएगा कि आपका शक ठीक है या नहीं। क्या तरीका है? आप छज्जे पर जाकर देखें, अगर ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुली है और मारू खिड़की से बाहर देख रही है तो समझो गड़बड़ है। मैं देखूं? आप ही देखें मियाँ जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है।
बिस्मिल्लाह करो पुत्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिस ख्वातीनो हजरात, आज हमारे बीच मिनिस्टर जकी अहमद साहब मौजूद हैं और मैं तहे दिल से मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस जलसे में शिरकत की। और मैं तहे दिल से मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे छोटे से इलाके में इन्होंने जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त दी। ख्वातीनों, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना तुबा, तुम्हारे कहने पर। रियली सॉरी सर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है। चलिए, इस बहाने आपके घर आने का मौका तो मिला। वो तो सर, इट्स माय प्लेजर। ये कोई दहशतगर्दी वगैरह नहीं है सर, अपोजिशन ने जलसा खराब करने की कोशिश की है। अपोजिशन का शुक्रिया। सर, हमें रास्ता क्लियर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक आपको यहीं ठहरना होगा। खामखा मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। नहीं सर, बल्कि बल्कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं सर कि आप आए और जलसे में हंगामा हो गया। सर, खतरे की कोई बात नहीं, हम एहतियाती तौर पर आपकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बना रहे हैं। मैं देखता हूँ सर। ओके सर, मैं दिल से कह रहा हूँ मिस लुबना हमीद साहिबा, मुझे इस हादसे का कोई दुख नहीं। मैंने मोहब्बत में चोट खाई हुई लड़कियों के 10 किस्से पढ़े हैं, दसियों सुने हैं तूबा, लेकिन मैंने देखा नहीं था। नफरत खूबसूरत चेहरों को तेजाब की तरह जलाकर बदसूरत कर देती है। तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं, लेकिन तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को देख नहीं सकती। ये तस्वीर 1930 की है। उस वक्त ऐसा होता था ये शहर, बिजली नहीं थी ना, बिजली के तारों ने शहर की गलियों का आधा हुस्न ख़त्म कर दिया। हर मोहल्ले में पानी के लिए कुई होती थी, कितना अच्छा लगता होगा।
लड़कियां खुई पर चरखी घुमाकर छागल से पानी निकाला करती हूँ। मैंने कम ही लड़कियां देखी हैं जिन्हें अपने कल्चर से इतना लगाव है आपकी तरह। बहुत खूबसूरती है अंदरून शहर में, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, घरों से जुड़े घर और दिलों से जुड़े दिल। मैं यहाँ पहली बार आया और लगता है आता रहूँगा। खाना पका लेती हैं? Of course. तो फिर बुलाइए ना खाने पर। सर रास्ता क्लियर है, हमें चलना चाहिए। ओके okay. आप चाहें तो कल खुद अनाउंस कर दें कि हमने आपकी सारी बातें मान ली। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। कौसर, कौसर जल्दी आओ। मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, इनको नीचे तक छोड़ के आओ। हम्म, इसको ठंडा तो कर ले। क्यों रहे हो मियाँ जी? दस बंदे मेरे ऊपर से गुजर कर गए हैं, दसवां शेखी पुलवान था, पैर रखकर सारे जोड़ टिल्ले कर गया मेरे। क्या हुआ मियाँ जी? कर लो गल, और तुझे पता ही नहीं क्या हुआ है? चोट तो नहीं लगी मियाँ जी? चोट ही तो आई है, अभी तक तो टांगों में दर्द है, कल तक पता चलेगा और क्या क्या चीज टूटी है। पर तू कहाँ था? मैं गया हुआ था मियाँ जी, अब्बा जी और जैनब के साथ निकाह का सद्दा देने। पर ये बम किसने मारा मियाँ जी? बम नहीं, क्रैकर। आजकल जरा सा पटाखा चल जाए तो लोग समझते बम चल गया। ना सब में मियाँ जी गिर गए, ऊपर से शेखी भुआन लांग गए। दे आया सदे? जी मियाँ जी। तुझे कहा था घर वालों को उसके घर पे। अम्मी और जैनब जाएंगी आज, तैयारी कर रही थी, फिर बम का सुना तो ये क्या है मियाँ जी? मिठाई है पुत्री। इतनी मिठाई मियाँ जी? सोचा था आज मुंह मिठा कर आऊंगा सबका, इसने नहीं होने दिया। दिल सा खराब हुआ है उसका, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, जाके पूछ उसको। ना मियाँ जी, दिमाग उसका आसमान पर है और मैं जमीन पर रहता हूँ। इस वक्त वो भी जमीन पर होगी पुत्री, कह के भाई दिवे आ गया हूँ अफसोस करने। सच्ची बात है मियाँ जी, अफसोस मुझे जरा नहीं है। उस बात पर जिद नहीं करते पुत्री जिस पर बाद में अफसोस हो। जा, या फिर सारी मिठाई जलसा खराब होने की खुशी में बांट दे। आपको किसी पर शक है मैडम? ये काम मुझे ऑपोजिशन पार्टी का लगता है।
लेकिन अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकती। आप मुनासिब समझें तो हमें सामान उठाने की इजाज़त दे दें। जी उठा लो भाई सामान। आराम आराम से एक एक कुर्सी करके उठाओ। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। मियाँ जी के पैर पर चोट आई है। मियाँ जी स्टेज पर गिर गए थे। जब खरे सिक्के खोटे हो जाएं, तो पता चलता है खरे खोटे की पहचान नहीं हमें। तू भी अब जा पुत्री, वरना तेरी मिठाई भी बासी हो जाएगी। जा किसी तरह अंदर के हालात का पता कर, नहीं तो अगली इतवार नहीं आनी पुत्री। हो गया जलसा, चल गए बम, मिल गई बाबा। थैंक यू नहीं कहोगी? थैंक यू। तुम खुश नहीं हो क्या? खुश हूं लेकिन आज के बाद मुझे फोन ना करना। क्यों? काम होते ही आंखें फेर ली तुमने? जुबैदा को पता चल गया है, मेरी डायल्ड कॉल्स में उसने तुम्हारा नाम देख लिया। जुबैदा से डरो मत, वो क्या करेगी? उसने बदसूरत कहा है मुझे। ये बात मुझसे पूछो ना। मैं बताता हूं तुम्हें, कितनी खूबसूरत हो तुम। सारा शहर देखा है मैंने, एक एक मूरत, एक एक सूरत। ठीक नहीं। ठहरो मैं जरा दरवाजा बंद करती हूँ। मुझे बताया ही नहीं। तेरे पास कोई इलाज है मेरी किसी चोट का? तू ठहरी सियासी लीडर, मैं निरा मियां जी वारिस अली। इस तरह की बातें ना करें मियां जी। लुबना हमीद का सर है आपकी जूतियों में। तो फिर हाँ कर दे। हाँ? माफ कर दे अगर कोई मंदा बोल दिया उसने। मैं आपका हाल पूछने आई हूँ मियाँ जी। हाल मेरा ठीक नहीं है पुत्री, और सिर तेरा मियाँ जी की जुतियों में नहीं है। जलसा खराब हुआ है तो दुख हुआ है ना तुझे? जलसा तो फिर किसी दिन हो जाएगा। जिंदगी खराब हो गई ना पुत्री तो फिर किसी और दिन ठीक नहीं होनी। फिर किसी दिन बात करेंगे मियाँ जी। तुम शायद कह रहे थे मेरे जैसी कोई भी नहीं। इस बात पे तो कसम खा सकता हूँ मैं। लुबना हमीद खूबसूरत नहीं है क्या? होगी मगर। मगर क्या? खूबसूरत तो कई होती हैं, सबसे खूबसूरत एक ही होती है। परी पैकर की आंखें ठीक नहीं है, ठीक से दिखाई नहीं देता उसे। गोली मारो परी पैकर को। गोली तो लुबना हमीद को भी मारी जा सकती है। धान पान सी लड़की है,
बस एक गोली से मर जाएगी। पिस्तौल चलाना सिखाओगे मुझे? क्या करोगी सीखकर? गोली मारूंगी उस कमीनी को। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अच्छा चलो ये बताओ, मैं कहूँ तो मेरा ये काम कर दोगे? क्या काम? रुकना, हमीद को गोली मार दो, बस एक गोली, सीधी कनपटी पे। फिर मैं तुम्हारी। हेलो, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तुम पर शक है मुझे। शक? जलसा तुमने खराब किया है। मियाँ जी चाहते हैं कि अब तुम मेरी जिंदगी खराब करो। ये नहीं हो सकता। परी पैकर, क्योंकि जलसा तो फिर किसी दिन हो सकता है। जिंदगी खराब हो गई तो फिर किसी दिन ठीक नहीं हो सकती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जलसा करने और उसे कामयाब बनाने में मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी तकलीफ में भी आप मेरे साथ खड़ी रही, उसका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, मिनिस्टर साहब ने हमारी सारी एप्लीकेशंस मंजूर कर ली है। बस 8-10 दिनों का प्रोसीजर है, उसके बाद जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आप लोग अपने अपने घरों में आराम कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा। क्या हुआ? मैंने परी पैकर से कह दिया कि मुझे तुम पर शक है। शक? किस बात का? जलसा खराब करने का। या अल्लाह। क्यों? तुम्हें इस पर शक नहीं होता? मुझे तो यकीन हो गया लुबना जी, आपने उसकी जिंदगी खराब की है। मैं जानती हूँ भी इसके साथ मिली हुई हो ना। और मैं जानती हूं आप अपने आप से कटी हुई। शट अप। बात कहूं तुमसे साफ सच्ची और खरी, तुम तूबा से शादी कर लो। लुबना जी की उम्मीद पर अगले 15 साल मत गुजारना। Thank you.
हेलो सर, इस मुल्क के लाचार पिसे हुए और बेबस लोगों के लिए कुछ करें तो खुदा के सामने सुर्खरू हो जाएंगे। आप मेरी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत वतन है सर। आपको पता नहीं आपसे मिलकर कितनी इंस्पिरेशन मिली है मुझे। आज के सेल्फिश दौर में अगर कोई नाजुक सी लड़की किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो जैसे मर्द को तो शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपके दिल में इतना दर्द है तभी तो आपने मुझे आवाज दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पिसे हुए मजबूर तबके को आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आप मुझे पॉइंट आउट करें कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी, वरना खुदा के सामने पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे। मैं आपके साथ हूँ सर, हमेशा आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, पता है किसका फोन था? मिनिस्टर साहब का। तुमने सुन लिया होगा? हाँ, मैंने देख लिया था। देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है लुबना जी, और मैं सुनने की बजाय देख लेती हूँ। गुड नाइट। मुझे अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ।